मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष गोल्डन मेमोरीज। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत और रेयर प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये एक यूनिवर्सल जीफ है, इसे CJ5 भी कहते हैं। ये 1968 मॉडल है। इसको मैन्युफैक्चर किया था काइजर जीप कॉरपोरेशन टोलेंडो ओहियो। विलिस के बाद काइजर ने जीप को टेक ओवर किया था और इसका लेटेस्ट वर्सन विलिस काइजर का जो रैंगलो रहता है इस पे बेस था। तो ये देखिए, उसका शेप भी बहुत अलग है। ये यहाँ बेसक कर्व रहता है, बॉडी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लाइनिंग है। ये रिस्टोरेशन होने के लिए लाया है, थोड़ा थोड़ा काम है, उसको बॉडी पेंट करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये ऐसा कर्व है। सडनली कोई अगर जानने वाला नहीं होगा तो वो समझेगा ये पीजो वाला मॉडल है, लेकिन ये पीजो नहीं है। पीजो में ये जो बॉनेट है ऐसा फ्लैट आता है, थोड़ा ये थोड़ा उठ के है। ये उसका ओरिजिनल क्रोम फिनिश वाला सिल्वी में है। देखिए, ये इसका एयर वेंटिलेटर है और ये बहुत पुराना है, 3 डिजिट वाला नंबर है। और ये ओरिजिनल ही राइट हैंड है, इसका क्रॉस मेंबर भी राउंड वाला है। और ये इसका फ्रंट देखिए, ये किनपिन मॉडल है लेकिन पुराना वाला है। ये टू व्हील ड्राइव में आता था और ये किनपिन मॉडल है। और डिफरेंस बताता हूँ, ये एक सीजे है, इसका थोड़ा अलग है, इसका बीम काफ़ी अलग है। ये सेंटर वाला टायरोड एंड है और ये ऊपर वाला है। ये भी 68 मॉडल है, दोनों का हाइट सेम ही है, लेंथ भी सेम ही है। इसका जितना लेंथ है उसका भी है, बाकी बॉडी थोड़ा उससे ज़्यादा जो वाइड है, मतलब यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 4 इंच होके ऐसा होता है, वाइड है। ग्लास फ्रेम भी इसका बहुत वाइड है, इसका ग्लास नहीं मिलता। और इसका जो व्हील बेस स्टेयरिंग व्हील है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 3 स्पोक वाला है लेकिन ये बीच वाला रबर का है हॉर्न के लिए। और इसका मीटर है, मीटर ओरिजिनल नहीं है, चेंज हुआ है। सेंटर वाला मीटर था, उसको भी हम ओरिजिनल वाला करेंगे। सीट ये एकदम सोफे वाला सीट है, यहाँ से बेंड होता है एकदम, मतलब बहुत कंफर्टेबल सीट है। जर्किंग जितना होगा ये सब स्प्रिंग वाला है, आप जरूर कर लेगा। और बैक साइड से आपको दिखाता हूँ, ये विलिस 58 वाला टेलगेट डिजाइन है, उस ऐसा एल टाइप का उस टाइम में आता था, लेकिन ये काइजर मॉडल में विदाउट कोई प्रिंट भी नहीं है, उस टाइम में ऐसा वाला आता था। ये ऐसा ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये उसका बेंच सीट वाला लॉक है। यहाँ पे ऐसा बेंच सीट लगता है, इस लॉक में घुस जाता है। और गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है, उतना कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। स्टैंड भी बहुत हैवी है और ये लाइट है। ओवरऑल ये एक यूनिवर्सल जीप के ऊपर CJ5, उसके बाद आया CJ6A 5A, वो थोड़ा लंबा होता था, हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल ड्यूटी के लिए, एम्बुलेंस के लिए, लेकिन ये एकदम शॉर्ट व्हील बेस है। ये ऑल वाइल्ड वर्ल्ड वाइड 2000 प्रोडक्शन किया था, तो लकीली आई गॉट दिस। ये जिसके पास था उसको उनके बारे में पता नहीं था, फिर भी बहुत मशक्क़त के बाद ये मैं लेके आया हूँ, उसको रिस्टोरेशन करूँगा। अभी मैं आपको इंजन साइड बता दूँ,
ये आ गया इंजन कंपार्टमेंट। ये देखिए जीप, काइजर जीप कॉरपोरेशन टोलेंडो ओहियो। इसका इंजन चेंज हुआ है, इसमें माटाडोर 305 का इंजन बैठा है। इसका माइलेज बहुत अच्छा आता था, जिनके पास ये गाड़ी थी वो बोल रहे थे कि 20 से 25 के आसपास आता था, लेकिन हम ये इंजन को बदल देंगे, उसका ओरिजिनल हुरिकेन इंजन इसमें डलवा देंगे और बाकी सब तो बहुत हैप्पी है। ये पुराना वाला हेडलैम्प का बेस था, यहाँ पे एक वेंटिलेटर लग के ऐसा होके अंदर की तरफ जाता था, गर्म हवा ठंड सर्दियों में गर्म हवा के लिए इंजन से आता था, गर्मियों में ठंडी हवा बाहर से आती थी। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे पता था मैंने इस जीप के बारे में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। ये भी काइजर का है, लेकिन ये विलिस के नेम में ही आता था, और ये दोनों शॉर्ट व्हील्स है, छोटा वाला है, ये भी छोटा वाला है। दोस्तों, मेरे चैनल का मेन मोटो ये है कि पुराने चीज़ों के बारे में आपको बता सकूं, जानकारी दे सकूं। और अभी बारिश का मौसम भी आ रहा है, अपने आसपास जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए और एनवायरनमेंट को बचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।